ये है जो फसलों की लूट होती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मंडी बहाल यहाँ जो बाजार से मिलती है, किसान अपनी फसल को कम से कम वहां लेकर तो जाए, जिसको लेना वहां से ले ले, फिर मंडी में कौन खरीद करने आएगा पता तो चले। लूट हो रही, हजारों ट्रक रोज जा रहे हैं यहाँ से। बिहार में किसान की खुलेआम लूट हुई सरकार की पॉलिसी की। बना दो ये भी कि बिहार से एक किलो भी अनाज एमएसपी से नीचे भी नहीं जाएगा। भाई छत्तीसगढ़ में भी तो खरीद कर व्यापारी सस्ते में खरीद करेगा। लाखों करोड़ रुपए का घोटाला, सस्ते में फसलें यहाँ पे बिक, यह आंदोलन चलेगा। रुकने के लिए क्या प्लान बनाया जा रहा है? किसान संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री बनाने की बात किस बार किस बात है? हमने कहा कि यही कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे। मगर भाई प्रधानमंत्री तो जब बनोगे ना, पहले मंडी बहाल करो फिर कहियो अपनी बात। तो इसका विरोध कर रहे सरकार से आपकी बात हुई है? सरकार से बात नहीं, सरकार बात करेगी तो हम बात करेंगे। नीतीश कुमार बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए सबसे बड़े हित रहती है, हमने रोड मैप बनाया किसानों का सबसे बड़ा। भाई मंडी बहाल कर दे, किसान सपोर्ट नहीं करेंगे यार। नीतीश कुमार का कहना है, अच्छा आधे आधे रेट में फसल लूट रही, किसान सपोर्ट तो करेगा? और हम ऐसी जगह तो हुए जहाँ पे किसान बिल्कुल दबा दिया हो, इस किसान को उठावेंगे आधे में। अच्छा ये बताओ 1200 रुपए ज्यादा हो या 2100 ज्यादा हो, ये 1200 में फसल बेचेंगे और इनका 2100 में बिकल लगे तो ये तो आएंगे आंदोलन में। ये लड़ाई लड़ेंगे, पहला होगा अपना गाँव अपनी सड़क, अपने गांव से सड़क पाना पहले ना, पहले झटके में 4 घंटे की पोल देंगे उसको 5 की। जो जो लोग सड़क पा जाएंगे वे आंदोलन से जुड़ के। दूसरा होगा चौराहे और तीसरा होगा जीटी रोड, उस पर फतह हो जाएगी। या तो सरकार बातचीत करके इसको बहाल कर देगी और नहीं तो फिर जीटी रोड पर संघर्ष होगा। एक संघर्ष बिहार के नाम भी देख रहा इन लोगों के। हम प्यार दूध से भी करें, बहुत प्यार करते हैं, दूध पूछने होता है, दूध को पूछते हैं ना सब जी। आप उसके आगे हाथ जोड़ लो तो घी दे देगा क्या? लेकिन रात के अंधेरे में उस पर भी पिटाई करते हैं, उसकी कुत्ता बजता है उसके, और वो सूरज निकलने से पहले पहले सारा मक्खन दे दे और सुबह ही फिर हाथ जोड़ ले, तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कराई नहीं। हम इससे प्यार भी करें लेकिन कुटाई भी है, बिना कुटाई के कानून ना आने का। ठीक चलो बैठ जाएंगे ना सब। अरे जो भी बाहर हमारे किसान भाई आए हुए हैं वो कृपया पंडाल के अंदर आ जाए, खलिहानों से तपती हुई धूप में आए हैं और वहाँ कुर्सी पर बैठ जाए। अगर कुर्सी नहीं मिल रही है तो अपना उधर कुर्सी है ले लेकर, कुर्सी हमारी अपनी प्रोग्राम है, किसी दूसरे का नहीं है वहाँ कुर्सी पर। मैं नाना संबोधित न करते हुए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, यही शिकायत की है जो अभी, तो क्या हम लोगों के अंदर ये ताकत नहीं है? नहीं है, हम लोग खाली ऐसे मुख्य अतिथि के कार्यक्रम को सुनने के लिए आए हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसलिए मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, संघर्ष को जारी रखना है, इसमें कुर्बानी भी देना होगा तो हम लोग तैयार रहेंगे। हम लोग इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि आपका इकबाल बढ़िया की तरह बढ़ता रहे, दिल दुआएं दे रहा है, हाँ जुबान खामोश है, जब राजद की बात आए तो मुन्ना खान लिख देना, हमारे खून के कतरे से हिंदुस्तान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, मैं मर भी जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, किसान यूनियन।